देखिए मानव। अगर एक बार बच्चे पाठशाला के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए तो वो मेरी भ्रम रेखा की सीमा को पार कर जाएंगे और फिर बालवीर उन्हें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसे बच्चों को बचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने उस सीमा रेखा को पार कर लिया फिर बालवीर हमें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा, फिर वो हमें बचा लेगा। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं मिशन स्कूल। अरे कहाँ हो तुम? यहाँ, यहाँ ऊपर। ऊपर क्या कर रहे हो? रहा हूँ, देख मैं कहीं ये बच्चे छुपे तो नहीं है चिड़िया की घोंसले में। रे रे तोबा तोबा, वो बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, ये ऊपर तक कैसे चढ़ेंगे? अरे हाँ, उतरा नीचे। हाँ उतर रहा, उतर रहा, मत चलाओ हुकुम मुझ पे। उतरो उतरो, कहाँ है बच्चे? मत चलाओ हुकुम मुझ पे, चलो है ढूंढते बच्चों को यहाँ। बच्चे बस मेर यार आगे नहीं बढ़ सकता। अजी माना तुझे चलने से प्रॉब्लम है ना, तू एक काम कर, तू दौड़ना शुरू कर दे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ चल, आजा बच्चा, आजा बच्चा। मानव वो देख, वो दो अजीब से दिखने वाले लोग फिर से हमें ढूंढने आ रहे। चलो 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 छुपते हैं, चलो चल चल। मानव अब हम रुक नहीं सकते। और मैं चल नहीं सकता। मानव प्लीज, अगर तू चाहता है कि बालवीर हमें देख पाए और सुन पाए फिर हमें कैसे भी करके एंट्री गेट तक पहुंचना ही होगा। मेहर पूल गेट कितना दूर है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए इतना समय लग जाएगा जितना समय हमें घर से स्कूल पहुंचने में नहीं लगता। मानव मैं जानती हूँ, अगर हम बड़े होते तो फिर एक मिनट में पहुंच जाते, लेकिन अब तो हम छोटे ना, इसीलिए ये दूरी ऐसी लग रही है जैसे कि हमें मुंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल चल के जाना है। अरे ये सब छोड़ो और पहले ये सोचो कि हम उस गेट तक कैसे पहुंचेंगे। हमें ऐसे जाना होगा कि वो दो अजीब से दिखने वाले लोग हमें पकड़ भी ना पाए। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? चलो फिर से चलना है? चलो मेरे साथ। हम एक एक करके इसे गिरा देंगे फिर इसके अंदर जाएंगे, इसे अंदर से रोल करेंगे ताकि हम वहाँ पहुँच जाए। इससे हम थकेंगे भी नहीं, जल्दी पहुँच जाएंगे और वो बुरे लोग हमें देख भी नहीं पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी आइडिया। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। दिखता नहीं क्या? है नहीं आगे पीछे? हाँ। है तेरी आगे पीछे ही। अच्छा अच्छा चलो देखकर फिर भी सामने। दगड़ तुम आंखें पीछे लगी है तो सामने देख के कैसे चलूं? है दिख रहा मुझे कुछ छोटा सा यहाँ पर। क्या बच्चा? तुम्हारा दिमाग ले। छोटी जगह में नहीं चाहती मेरी कोई समझदारी की बड़ी बात। दगड़ तुम समझदारी और तुम तो बस है भयंकर परी के सबसे बबा हो, बड़े बेवकूफ हो। और हो तुम भी बस है बेकार, छल परी के सबसे बड़े बेसुरे सुन। क्या बेसुरा? किसको बेसुरा बोला? तुझे और किसको?
अरे है तुझे सुरों का ज्ञान, हमेशा करता रहता तू दगड़ दुम दगड़ दुम गधा कहीं का। अरे गधा नहीं, दगड़ दुम दगड़ दुम दगड़ दुम है मुझे ज्ञान। ए, रुको, हम ये चॉकलेट्स अभी नहीं खाएंगे। जब हम मानो मेरे को परेशान कर लेंगे ना, तभी हम ये चॉकलेट्स खाएंगे। पर बॉस, तब तक तो पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। मतलब कहाँ पे है वो मानव महर? बॉस, पूरा स्कूल छान मारेंगे, पर उन्हें ढूंढ कर ही जाएंगे। हाँ, और ढूंढने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत हमें मिलती है चॉकलेट से। उक्कड़ कहीं के, पूरा स्कूल छान मार लिया, लेकिन ये दोनों इसे जा कर सकते। रोहित केवल, यस बॉस। देखो बस एक सेकंड में क्या कर देखता है वो। देखो वो टीम के डिब्बे है ना, वो देखो वो खाली है, फिर भी वो अपने आप रोल होते आ रहे हैं। देखते ये देखो, इसके अंदर मानो मेरे पुकी है, ये छोटे कैसे हो गए? हमने आपसे कभी पूछा है कि आप इतने मोटे कैसे हो गए? बॉस, हम कभी दूसरों के मामले में टांग नहीं डालते। आपको मोटा होना था, अब हो गए। ये छोटा होना था, ये छोटे हो गए। अरे बेवकूफो, ये छोटे हो गए, छोटे। अरे हाँ, मोटे हो सकते लेकिन छोटे नहीं। बस अभी इन्हीं से पूछते कि ये कैसे हुआ। हाँ नहीं 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 ये लो डुबा डुबा एक चॉकलेट, लो की चॉकलेट, चॉकलेट अंकल ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, लो लो मजे करो। वाह बालपरी, इस बार बालवीर ने जिस तरह से क्रिसमस की तैयारियां की हैं, मुझे लगता है बच्चों को बहुत मजा आएगा। हाँ, वो तो है। बालवीर खुश रहो, परियो खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, क्या बात है, आप बच्चों के क्रिसमस के जश्न को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? माँ, क्रिसमस के जश्न में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। क्या? हाँ माँ, पृथ्वी लोक पे मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ है वहाँ? बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं मानव कैसे उंगली जितना छोटा हो गया। बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? होते हुए आपके कर सकता हूँ कैसे मैं इतनी मजाल बच्चों को परेशान करने की? जरूर ये जादू छल परी ने ही किया होगा रखट परी, क्योंकि क्रिसमस के जश्न के दौरान मुझे गोबा गोबा और तौबा तौबा भी मिली थी। फिर तो ये जरूर छल परी और भयंकर परी की कोई नई चाल है। हाँ। और उन्होंने बच्चों पे ऐसा जादू किया है कि ना तुम्हें छोटे बच्चे दिखाई दे रहे और ना उनकी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है। हाँ, और शायद इसी वजह से आपका जादू भी बच्चों पर नहीं चल रहा है। बालपन, हम यहाँ क्रिसमस में सांता क्लॉस की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन उस दुष्ट छलपरी ने बच्चों को ही निशाना बना दिया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि छलपरी और भयंकर परी ने कौन सा जादू चलाकर बच्चों को छोटा कर दिया है, क्योंकि उसके बाद ही हम उस शैतानी जादू का तोड़ ढूंढ पाएंगे।
और जब तक हम ये करते हैं, बालवीर तुम डूबा डूबा एक को लेकर पृथ्वी लोक जाओ और बाकी बच्चों की सुरक्षा करो। है ठीक। हाँ बालवीर, आप जाइए और बच्चों की सुरक्षा कीजिए। ठीक है, चलो डूबा डूबा, चलो बालवीर। मोंटू पर बैठकर, मोंटू पर बैठकर पहुंचेंगे हम। पुकी सही कह रहा है, हम मोंटू को सब कुछ बता देंगे और फिर वो हमें लेकर जाएगा। रोहित केवल, सांता क्लॉस ने मुझे मेरा क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया। कौन सा गिफ्ट? ये देखो, ये चलने और बोलने वाले खिलौने। हैं? मैं अब इनके साथ खेलूंगा। मोंटू, तू तो धीरे नहीं बोल सकता, बस लगता है मेहर कुछ हमें कहने की कोशिश कर रही है पर हमें सुना ही नहीं दे रहा है। वैसे भी हम इनकी बात कब सुनते। ए, चलने और बोलने वाले खिलौनो, जोर से बोलो, बोलो जोर से, बोलो जोर से। तुझे समझ नहीं आता, तू थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? बस मेहर के इशारों से तो लग रहा है कि वो आपको कह रही, ये आपको पीट देगी। कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बॉस को पीटने का? अरे नहीं बॉस, मेरा मतलब है अब हम इनके साथ क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे, इन्हें प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। हाँ। नहीं भूल गए, हम खिलौनों के साथ क्या करते हैं? उन्हें तोड़ दे। चुप, हम खिलौनों के साथ खेलते हैं और हम भी वही करेंगे। हम इन तीनों खिलौनों के साथ खेलेंगे और फिर इन्हें मेरे स्टोर रूम में बंद कर देंगे। मोंटू प्लीज ऐसा मत करना यार, मोंटू प्लीज। देख मोंटू, ऐसा मत कर, हमें सर के पास लेके जा। बॉस ये मानो मेरे को कितने परेशान है, कितने डरे हुए। बॉस अब तो हम चॉकलेट खा सकते हैं ना? नहीं। तुम दोनों चॉकलेट नहीं खाओगे, बल्कि हम तीनों चॉकलेट खाएंगे और फिर इन तीनों को परेशान करेंगे। मोंटू प्लीज ऐसा मत करना, मोंटू प्लीज। ओए बुक्कड़ो, मुझे दो एक एक चॉकलेट। केवल चॉकलेट खाते ही ये तीनों छोटे कैसे हो गए? मतलब महर, हम भी इस चॉकलेट खाने की वजह से छोटे हुए। हाँ। ये तीनों फिर से बड़े कैसे हो गए? बेवकूफ मोंटू, हम बड़े नहीं हुए हैं, बल्कि तू हमारी तरह छोटा हो गया है। क्या? क्या? क्या बात है, क्या बात है, मूर्ति कितनी सुंदर है। नहीं सच महेश जी? अरे मैं तो मिसेस मूर्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये मैं मूर्ति की बात कर रहा हूं। ये चुप रे महेश। रॉकी, अरे कहां हो तुम? अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। तुम लोग यहां पे हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम। इसने कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं की ने? जी ये कौन है? ये बाबूजी, ये मिसेस मूर्ति। अच्छा, ये मिसेस मूर्ति और ये बाबूजी। क्या
अरे आप ऐसा कुछ ऐसा मत समझिए, मिसेस मूर्ति की बात छोड़िए, आप ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति जो है ना हमारे बॉस ने बनाई है, स्पेन में बहुत बड़े मशहूर राजा थे, उनकी मूर्ति बनाई है। अंकल जी थोड़ा हाथ को साइड कर, ऐसा करिए ऐसा करिए। अंकल जी आप तो बिल्कुल सेम टू सेम मूर्ति के जैसे लग रहे हो। क्या बात कर रहे हो शुक्ला? ए बाबू जी घूमिए घूमिए, फिर और घूमिए। अरे हूँ बापू जी, हूबहू आप इस मूर्ति जैसे दिखते हैं, देखिए। वैसे एक बात कहूं, हाँ। अब मुझे पता चला है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा फील क्यों होता है कि मैं स्पेन का राजा हूं। तो सुबह सुबह आप स्पेनिश भाषा भी बोलते होंगे। हाँ। हाँ। अंकल जी आप ठीक तो है ना? अंकल जी कुछ बोलिए, आप महेश अंकल जी कुछ बोल ही नहीं रहे यार। अरे शुक्ला कैसे बोलेंगे, ये बाल्टी है ना सर पे, कैसे बोल पाएंगे ये? अभी हाँ बाबूजी बोलिए बोलिए, बाबूजी बाबूजी बोलिए। मोटा भाई मोटा भाई, लगता है बाबूजी अटक गए। ये रॉकी ये तो वो बुरे वाले अटके हैं, अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। यानी कि अंकल जी भी मूर्ति बन गए? अरे वाह, इसका मतलब हमारे पास दोनों मूर्ति ये। अरे दोनों मूर्ति चुप, एकदम चुप रॉकी चुप। एक काम कर शुक्ला, मैं लेफ्ट से खींचता हूँ, तू राइट से खींच खींच। शुक्ला क्या कर रहा है, मेरे बापू जी है। क्या टूटा? केवल अब हम क्या करेंगे? बस मुझसे मत पूछो, मैं छोटे बच्चों से बात नहीं करता और मैं भी नहीं करती। मानव पुकी मोंटू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक मिनट। मोंटू को एंट्री गेट तक पहुंचने वाले सीक्रेट का पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी ने बताया तो मैं उसे पीट दूंगी। प्लीज हमें तुम्हारी टीम में ले लो, बड़े मोंटू को उसको अकेला छोड़ दो। हाँ। प्लीज बेवकूफो, तुम दोनों मेरे बिना जाओगे? महर हम एक काम करते हैं, हम बालवीर जी को बुलाएं। हाँ, बालवीर जी, 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 रुको, बाल, बालवीर को मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए अगर उस समय तूने हमारी मदद की होती तो हम भी बच जाते और तू भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता ना। बेवकूफ थे हम,
गलती हो गई बस। महर, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। एक काम करना, तू ही दिमाग लगा और यहाँ से हमें बाहर निकाल। महर प्लीज। हाँ, क्योंकि बॉस के पास तो दिमाग ही नहीं है ना। चुप। सॉरी बोलो महर को। सॉरी महर, मुझसे गलती हो गई। महर प्लीज हमें माफ कर दे और हमें अकेले छोड़ के मत जा। महर प्लीज। नहीं, मैं तुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, इसीलिए तू अपने रास्ते जा और हम हमारे रास्ते। चलो चल कर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.